हेलो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंजीनियरिंग फील्ड को एट अ ग्लैंस समझा था कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं एंड उनका रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। सो अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड को लेके क्यूरियस या एक्साइटेड है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 फिल्टर्स या चेकलिस्ट जो आपको कंसिडर करना चाहिए इसे परसू करने से पहले। लाइक एज एन इंजीनियर आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपका एजुकेशन एंड कॉलेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सी टॉप कंपनीज है जो इंजीनियरिंग फील्ड में रिक्रूटमेंट करती हैं? इस फील्ड में डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, इस फील्ड की सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग करियर परसू करना चाहते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं ये डिस्कस करूंगा कि किन लोगों को ये करियर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि करियर रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो द फर्स्ट फिल्टर इज क्वालिटीज। एज एन इंजीनियर आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हर ह्यूमन बींग का एक जेनेटिक इंटेलिजेंस होता है एज पर फेमस थियरी बाय हॉवर्ड गार्डनर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे एक वीडियोस में। अकॉर्डिंग टू दैट 8 टाइप ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस होते हैं। सो एज एन इंजीनियर आप में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए। आपको साइंटिफिक थियोरीज, लॉजिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस इंटरेस्टिंग लगने चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थियोरीज। सो अगर आप एक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग परसू कर रहे हो जो कार डिजाइन करते हैं तो इंटरनल कंबशन इंजन के प्रिंसिपल्स एंड उसमें इन्वॉल्व कैलकुलेशंस करने के लिए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल माइंडसेट चाहिए होगा। इसके अलावा आप में फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना होना चाहिए। कुछ जॉब्स बहुत ही टफ होते हैं लाइक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स जो रोड्स एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, उनको गर्मी धूप में खड़े होके भी वो काम करवाना पड़ता है जिसके लिए फिजिकल स्टेमिना चाहिए। मेंटल स्टेमिना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक कोडर हो तो कई बार आपको कोड डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है जिसके लिए काफी पेशेंस चाहिए। नाउ द थर्ड क्वालिटी इज टीम वर्क। सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बहुत बड़ी टीम्स इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बिल्डिंग बनवानी है तो उसी में ही 5 से 6 टाइप के तो इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक सिविल, मैकेनिकल, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स। सो एक सक्सेसफुल इंजीनियर को लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। इसके अलावा आपका जो अप्रोच है बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सो इसमें क्रिएटिव से ज्यादा लॉजिकल माइंडसेट यूज होता है। नाउ द सेकंड फिल्टर इज एजुकेशन एंड कॉलेज। एज अ स्टूडेंट आप जो भी स्टडीज कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट इज आपको किसी कंपनी में जॉब मिल जाए या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ लाइक एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करूं विच इज अबाउट गेटिंग अ जॉब आफ्टर स्टडीज, सो हर कंपनी का हायरिंग करने का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है एज पर हमने कौन सा एजुकेशन परसू किया है। सो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई, बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी बीटेक या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप डिप्लोमा या बीएससी करके इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बीटेक वाले से कम होगी एंड ईयरली इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस भी कंपैरेटिवली कम होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लाइक एमटेक टीचिंग पोस्ट या रिसर्च करने के लिए रिक्वायर्ड है एंड समटाइम्स कुछ मैनेजमेंट पोजिशंस के लिए एमबीए भी जरूरी होता है। वेल इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीटेक इज 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बी बीटेक में एडमिशन जेई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है जिससे आईआईटीज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स हो जाते हैं जिसमें आपके 12th के मार्क्स भी कंसिडर करे जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस इंडिपेंडेंटली भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज एमटेक जो कि 2 साल का प्रोग्राम है इसको करने के लिए गेट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड कोर्स बीटेक प्लस एमटेक 5 साल में भी करवाया जाता है। ये है लिस्ट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नाउ द थर्ड फिल्टर इज कंपनीज इन इंजीनियरिंग फील्ड। किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाने से पहले क्या आपको उस फील्ड से रिलेटेड कंपनीज या उनकी वर्क प्रोफाइल्स पता है या फिर आप एक रेस में हो जिसमें मार्क्स एंड रैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं रादर देन कंपनीज एंड वर्क प्रोफाइल्स। मैं ब्रांच वाइज कुछ टॉप कंपनीज के नाम बताता हूँ जस्ट एज अ फूड फॉर योर थॉट। जस्ट थिंक कि ये कंपनीज क्या काम करती है। So, in IT and computers, Google, Apple, Microsoft, Adobe, IBM. Electronics में Intel, Samsung, Sony, Dell, Hitachi. Mechanical में Tesla, Maruti, BMW. Electrical में GE, Schneider Electric, Havells, ABB. Telecom में Jio, Airtel, Indus Towers. Chemical में Dow Chemicals, BASF. Petroleum में Shell, Exxon Mobil, Indian Oil, ONGC. Civil में L&T, DLF. Now, the fourth criteria is salary structure.
आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आपको उस फील्ड का पोटेंशियल पता होना चाहिए कि मेरा मिनिमम एंड मैक्सिमम अर्निंग किस रेंज में हो सकता है एंड एम आई ओके विद दैट। इंजीनियरिंग सैलरीज का स्टार्टिंग पैकेज 20,000 से 50,000 रुपए पर महीना होता है। इनमें अलग से अलायंसेस भी ऐड होते हैं। सीनियर इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स की सैलरीज 1 से 3 लाख पर मंथ भी हो जाती है। हर साल 5 से 10% का ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट भी होता है एंड पीक सैलरीज 40 to 80 lakhs पर ईयर भी हो जाती है। नाउ द फिफ्थ क्राइटेरिया इज डिमांड एंड सप्लाई। इंडिया में हर साल 50 से 60 लाख जॉब्स क्रिएट होते हैं। इनमें से इंजीनियरिंग जॉब्स ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास जनरेट होते हैं एंड हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। सो हाईली कॉम्पिटेटिव फील्ड है एज पर डिमांड एंड सप्लाई। इंजीनियरिंग डिमांड एंड सप्लाई पे हमने ऑलरेडी एक केस स्टडी बनाया हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। नाउ द सिक्स क्राइटेरिया इज रोल मॉडल और इंस्पिरेशन। किसी भी इंडिविजुअल को अगर बॉलीवुड या क्रिकेट में करियर बनाना है तो उनके रोल मॉडल्स होते हैं लाइक अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर। हमें उनके डायलॉग्स याद रहते हैं या फिर ये याद रहते हैं कि उन्होंने सेंचुरी कब मारी। बट द सैड पार्ट इज एज एन इंजीनियर 99% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है अपनी फील्ड में रोल मॉडल्स के बारे में। तो हमें कोई ना कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन में जो हम परसू करना चाहते हैं, तभी इमोशंस या एनर्जी जनरेट होती है। तो फाइंड समवन इन योर फील्ड जिसने अपनी फील्ड में मैजिक किया है लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट होने से पहले एक रॉकेट साइंटिस्ट थे जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। नाउ द सेवंथ फिल्टर इज मूवीज दैट कैन इंस्पायर यू टू बिकम इंजीनियर। कुछ साइंस और इंजीनियरिंग बेस्ड मूवीज है जिसे देख के अगर आपको मजा आता है कंसेप्चुअली तो आप सही डायरेक्शन में हो टू बिकम एन इंजीनियर। मूवीज लाइक 3 इडियट्स, द मार्शियन, अपोलो 13, आयरन मैन, सोशल नेटवर्क, द इमिटेशन गेम, इंटरस्टेलर, ट्रॉन, रोबोट, ट्रांसफॉर्मर्स। कुछ टीवी सीरीज भी है लाइक सिलिकॉन वैली, ब्रेकिंग बैड। जनरली हमें विजुअली चीजें याद रहती है और अगर इन मूवीज को देखने के बाद आप इनको अप्रिशिएट करते हो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल इंजीनियर्स वाला है। नाउ द लास्ट क्राइटेरिया इज हु शुड अवॉइड इंजीनियरिंग। सो अगर आपका इंटेलिजेंस टाइप एज पर हॉवर्ड गार्टनर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल नहीं है, अगर आपको साइंटिफिक फिनोमेना लॉजिक्स पसंद नहीं है, देन यू शुड अवॉइड। सो अगर आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया लेवल पे 4 से 5 लाख से ज्यादा है इन जनरल कैटेगरी, सो बिल्कुल अवॉइड करिए। या फिर आपका एडमिशन Tier 3 कॉलेजेस में हो रहा है जहाँ की प्लेसमेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंपनीज बिल्कुल नहीं आती, तो इट इज बेटर टू अवॉइड। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे इंजीनियरिंग पसंद है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे जिसके कारण आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, सो इन दैट केस आप इंजीनियरिंग करियर परसू कर सकते हैं बट आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी अपनी फील्ड में जो आपको स्टैंड आउट करे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। लाइक अगर आप एक आईटी इंजीनियर हो तो आपने अगर कोई ऐसा ऐप बनाया जिसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है, या फिर आपने किसी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर ली एंड उसी के आसपास कोई प्रोडक्ट बना दिया रादर देन फोकसिंग ऑन कि मैं मार्क्स स्कोर करूँ, सो ऐसे में कंपनी डेफिनेटली आपको कंसिडर करेगी ड्यूरिंग इंटरव्यूज। सो ये सारी चेकलिस्ट है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर परसुइंग इंजीनियरिंग। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल का पर्पस यही है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑल द करियर ऑप्शंस ताकि हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर बेटर हो पाए। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस और ज्यादा स्प्रेड हो। धन्यवाद।